रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अरे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम मशकी सवाल कर रहे हैं नज़म टोट पर टोट की मोटर कार के। प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा कि हमारे से भी एक अल्लाह ने सवाल करना है और हमें इस दुनिया में अल्लाह ने उस सवाल को हल करने के लिए भेजा है। वो सवाल है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। क्या आपको पता है कि आप अपने रब के बारे में कुछ जानते हैं? हमारा, मेरा और आपका रब कौन है? कभी आपने सोचा कि ये सारी कायनात मेरी और आपकी खिदमत में लगी हुई है, चांद सितारे, ये दिन का निकलना, ज़मीन इतनी सब्जियां, फल, किस्म किस्म की खुराक उगाती है, फिर अल्लाह ताला ने मौसमों का हेर फेर रखा है, फिर हम अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, माँ बाप दिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में मुझे और आपको एक सवाल के हल के लिए भेजा है। और जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? इसका जवाब कुरान मजीद में है। कुरान मजीद असल में रब्बे कायनात का तारुफ है। इसमें अल्लाह ने बताया, इस किताब में कोई शक नहीं है, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल की। इस किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको पता चले मेरा और आपका रब वो है जो अकेला है, उसका शरीक कोई नहीं है, उसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है, उसी ने हमें पैदा किया, वही हमें दोबारा खड़ा करेगा, वही हमें रिजक देता है, हमें उसी से दुआएं मांगनी चाहिए, पीरों फकीरों के पास नहीं जाना चाहिए। तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना है। पढ़ने के बाद हर एक को अल्लाह की तरफ लौटना है, मगर खुशकिस्मत वो है जो जिंदगी में अल्लाह की तरफ लौट जाए। हम अपने सबक की तरफ आते हैं, अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज हैं नराली, सियानी, बेली और शाम। नराली का मानी होता है अनोखी। टोट बटोट ने नराली कार खरीदी है। शान का मानी होता है अंदाज। टोट बटोट की मोटर कार की शान अलग है। सियानी कहते हैं अकलमंद को, जो सोच समझकर फैसले करे। फातिमा बहुत सियानी है। वो आप भी सियाने बच्चे बनना चाहते हो फातिमा की तरह, तो रोज का काम रोज करें, रोज सबक पढ़ें, अच्छी तरह याद करें, खेलें कूदें भी, लेकिन पहले काम फिर आराम। बेली हिफाजत करने वाला, जैसे हम अपनी हिफाजत के लिए गार्ड रखते हैं। टोट बटोट की कार का अल्लाह बेली है, लेकिन अगर वैसे देखें तो पूरी कायनात का और हमारा सबका भी अल्लाह बेली है, अल्लाह ही असल में हिफाजत करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।